मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सुखराम जी बिश्नोई साहब ने जो अथक प्रयास किए और उस प्रयास का आज परिणति हुई। अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हमारे सांचौर को इतना सौगात जिले के रूप में दी। यहाँ से 280 किलोमीटर सड़क पड़ रहा था। हमने जब मैं पंचायत समिति में प्रधान था तभी प्रस्ताव पारित करके हम लोगों ने भेजा था, जिला परिषद से भी प्रस्ताव पारित कराया था और वो दिन आज पूरा हुआ। इसके लिए सुखराम जी बिश्नोई को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ अभी सांचौर के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, इसलिए मेरे युवा साथियों से निवेदन है सोशल मीडिया पे कोई भी पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति को गलत जवाब ना दे, ये मेरा आपको हाथ जोड़ करके निवेदन है। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय इंदु सिंह जी को कि वो भी अपना रक्त भेजे। माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय सुखराम जी बिश्नोई साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि सांचौर को जो दूरस्थ क्षेत्र है, नहर क्षेत्र हमारे रणखार आकोड़िया जो जालौर से 243 किलोमीटर है उसको सांचौर को सौगात बना के, जिला बना के सौगात दी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी को आपने जीता के भेजा ताकि आपकी व्यवस्थित तरीके से फेरी करे। आपने माननीय मंत्री जी को जीता के भेजा, 25,000 दो बार 25,000 वोटों से जीता के भेजा, वो आपकी फेरी की व्यवस्थित ढंग से फेरी की ताकि हमारा जिला बने। आपने देखा होगा बहुत सारे जगह हल्ला हो रहा है लेकिन माननीय मंत्री जी ने चुपचाप, आपने देखा होगा कोई कमेंट नहीं किया, चुपचाप पैरवी इस प्रकार बखूबी से की ताकि अपने सांचौर का जिला बना, दूसरे देखते रहे। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद, माननीय मंत्री जी ने अपने इस क्षेत्र में कोई काम करने को कोई कमी नहीं रखी। आपने देखा